opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricket Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. 23 अक्टूबर को ये मैच है, भारत और पाकिस्तान का विश्व कप का मैच है, ठीक है। मैं आपको बताना नहीं चाहता कि पिछली बार ये टीमें जब विश्व कप में मिली थी तो क्या हुआ था, क्योंकि शायद आपको याद होगा, और अगर आपको नहीं याद है तो क्यों याद दिलाऊं, फालतू में आपकी रात की नींद चली जाएगी अगर आप भारत के फैन हैं तो। बिल्कुल याद दिलाओ कि वो अकेला एक ही इंसिडेंट हुआ है इतने सारे वर्ल्ड कपों में। यस, आई मस्ट रिमाइंड यू टू फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप उसको भूल जाइए, क्योंकि अगर आप भारत के फैन हैं तो भारत के साथ सब विश्व कप में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है। पर आई हैव टू टेल यू, खेले तो क्या खेले दोनों, बाबर और रिजवान, बिल्कुल मानना तो पड़ेगा, उनके ऊपर ही टीम डिपेंडेंट है पूरी, क्योंकि अगर जो भी सीरीज पाकिस्तान अच्छा करती है या जीतती है तो उसमें बाबर और रिजवान के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। अगर जब भी इंग्लैंड की भी जो सीरीज़ हुई, भले वो हार गए लेकिन बहुत क्लोज सीरीज थी, मतलब 7 मैच की सीरीज थी, 4-3 से हारे, लेकिन उसमें भी हाईएस्ट रन स्कोरर आपके बाबर और रिजवान ही है। बिल्कुल, तो भारत को वो मैच जीतने के लिए कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कैसे दोनों में से एक को आउट करे या अच्छे से अच्छा दोनों को आउट कर दे जल्दी जल्दी, तो फिर मुश्किल पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़ जाती है। आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल, एक बात तो अच्छी बात है कि ठीक है चलिए जिस दिन चले रिजवान और बाबर उस दिन आपकी वाह भाई वाह, पर अगर जल्दी चले गए तो उनको कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा, और काफ़ी नामी खिलाड़ी हैं वहाँ पर, उनके जो बल्लेबाज हैं नामी खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े हिटर हैं वहाँ पर। आप अगर देख लिया अभी फ़खर जमान को छोड़ दिया इन्होंने एशिया कप के बाद, और अब शान मसूद खेले ये मैच नंबर 3 पर अगर आप आसिफ अली को देखें, आप यू नो खुशदिल को देखें, नवाज को देखें, ये सब बड़ी बड़ी शॉटें लगा सकते हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग आते हैं तो इनको बताया गया है कि भाई आपको बस ये स्पेशल अपीयरेंस है जी आपकी पिक्चर में, हमारे पास वो कह रहे हैं कि दो ही हीरो हैं, बाकी सब अपने अपना थोड़ा छोटा छोटा करके निकल जाइए, क्योंकि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे अगर बाबर आजम और रिजवान के रन नहीं बने तो शान मसूद, क्योंकि वो जो रोल फ़खर जमान अदा कर रहे थे उसमें फिर उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि वो 3 नंबर बल्लेबाजी करेंगे, लेफ्टी बल्लेबाज है, स्पेशली जब अगर भारत के खिलाफ खेलेंगे तो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल बीच में गेंदबाजी कर रहे होंगे, तो लेफ्टी बैट्समैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शान मसूद, खुशदिल शाह और नवाज, आई थिंक वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट खड़ी हो जाएंगी अगर ऊपर में से बाबर या रिजवान में से कोई रन नहीं कर पाता तो। ऑल इन ऑल अगर आप सब टीम देखेंगे ना तो ऐसा नहीं लगता कि ये, अगर अच्छा स्कोर बन जाए, भारत पहले बल्लेबाजी करे और अगर 170-180 रन बना देता है तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की ये टीम, ये ऐसी टीम है कि 150-160 रन वाली टीम है, कि 150-160 रन वाली टीम मैचेस ना आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि वो रोल प्ले कर सकते हैं जो बाबर और रिजवान करते हैं। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है और जैसे ही वो स्ट्राइक रेट बढ़ाने का टाइम आता है ना, तो वहाँ पर पाकिस्तान पर प्रेशर आएगा। एक जगह जहाँ पर इन पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है वो है इनकी तेज़ गेंदबाजी, क्योंकि तेज़ गेंदबाजी में इनके साथ क्या होता है कि हम लोग तो भारत में इतनी बात कर रहे हैं कि ठीक है एक तेज़ गेंदबाज नहीं है तो यू नो बिल्कुल थोड़ी हबड़ा दबड़ी होगी, है कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, मोहम्मद शमी को कोविड है, ये सब वहाँ पे आप देखें एक जाता दो आ जाते हैं। हाँ वैसे ही शाहीन शाह अफरीदी खेले भी नहीं एशिया कप, फिर भी ऐसा उनकी कमी वहाँ पे आपको महसूस नहीं होने की। हारिस राउफ जिस तरह से अभी पिछली सीरीज में गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद हसनैन एक नाम नज़र आता है कि जो उनमें काफ़ी गति है, अगर आप उनको देखेंगे तो वो भी 140-145 गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो रणनीति है ना, वो सेम रणनीति भारत की हुआ करती थी पिछले वर्ल्ड कप तक, कि 5 गेंदबाज से जाते थे, तो वहाँ पे आपका 5वां गेंदबाज हो जाता है नवाज। तो नवाज की भी गेंदबाजी ऐसी लेफ्ट आर्म स्पिन, ऐसे स्पिनरों वाली गेंदबाजी नहीं है, तो वो बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ऊपर से विकेट फास्ट बॉल निकाले, अगर वो नहीं निकाल पाते तो फिर आपके पास ना शादाब और नवाज दो ही बच जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड देखेंगे तो भारत की जो रणनीति बन रही है उसमें लेफ्टी बैट्समैन नहीं दिख रहा बीच में, सही बात है, उसमें सारे राइटी बैट्समैन आएंगे। तो अगर एशिया कप की बात करें जहाँ पे भारत जीता था, तो रविंद्र जडेजा की जो इनिंग थी उससे बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ गया था, कि जहाँ पे मारने की जरूरत पड़ी तो नवाज को उन्होंने गेम से बाहर ही कर दिया। तो अब जरा कई दोनों टीमों के मजबूत पक्ष भी है, थोड़े वीकनेसेस भी है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम है तो आफ्टर ऑल तो फिर वो प्रेशर हैंडल करने वाला ही मामला आ जाता है, उससे फैक्टर इतने सारे चेंज हो जाते हैं। और अगर भारत की टीम को आप देखें, एक कभी ब्लैंक है वहां पर, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जगह कौन आएंगे अभी ये नाम ऑफिशियली नहीं लिया गया है, वो हैं कुछ दावेदार, मोहम्मद शमी आ सकते हैं,
क्या दीपक चहर को रिजर्व से वो अंदर ले आएंगे? सिराज आ सकता है क्या? सिराज आज एक ही मैच खेले हैं, क्या वो आ सकते हैं? मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि इस स्क्वाड में आई थिंक जसप्रीत बुमराह की जगह पे मोहम्मद शमी को जगह मिलेगी जिस तरह से, होपफुली, क्योंकि अभी 20 दिन भी है, कोविड से रिकवर हो गए ऑलमोस्ट, तो 20 दिन भी है वहाँ पे। जब भारत वर्ल्ड कप खेलेगी उससे पहले पर्थ में दो प्रैक्टिस मैच खेलेंगी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से एक मैच खेलेगी, न्यूजीलैंड से एक मैच खेलेगी, तो मैच टाइम भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि उनको मैच टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो मोहम्मद शमी की जगह बनती है। अब फिर सोच, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हम कुछ सोचते हैं, टीम क्या सोचती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आशुपा है नहीं, वो जो कहते हैं ना उनकी लाइन, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही बात है। तो बट आई थिंक, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी फ्रंट रनर है इस रेस में। आप कह रहे हैं कि पहले पर्थ में दो मैच हो रहे हैं, मतलब ब्रिस्बेन में वार्म अप मैच हो रहे हैं, पर उसके पहले, उससे पहले भारत पर्थ में दो प्रैक्टिस हो रहे हैं, दो प्रैक्टिस मैच खेलेगी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, तो वो भी करेंगे। वो भारत अपना जो प्रेपरेशन का टाइम है वो वहां पे करेगी, फिर वर्ल्ड कप के जो ऑफिशियली वार्म अप गेम जो डेजिग्नेटेड है इंडिया को, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो प्रैक्टिस मैच, फिर वार्म अप मैच, और फिर 23 को मैच, फिर 23 को पहला मैच। सो टाइम है थोड़ा, कि अगर आप बोलें कि अरे यार शमी को तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं T20 आई में पिछले एक साल से, बिल्कुल नहीं है, वो नहीं खेले पिछले विश्व कप के बाद। भारत करीब 34 मैच खेल चुकी है, उसमें से एक भी वो नहीं खेले, खेलने वाले थे, जो दो श्रृंखला हुई है, जो 6 मैच हुए हैं उसमें कहा था कि वो खेलेंगे, कोविड हो गया उनको तो नहीं खेल पाए। ये भी ना किस्मत भी है टाइम पे, अभी जाके कोविड हुआ, पूरी दुनिया कह रही थी कि मोहम्मद शमी को टीम में होना चाहिए था और वापस टीम में भी आए, लेकिन अब ये चीज़ को तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, वैसे वाला काम हो गया। पर शमी के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि टाइम है, अगर अब जैसे परसों अगर निकल जाएगी टीम 6 तारीख को, तो 7 तारीख को ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएगी, और तो उससे पहले आप 23 है, तो और ऑलमोस्ट 2 वीक का टाइम है, 2 वीक का टीम टाइम काफ़ी होता है किसी भी ठीक जगह पे आप जा रहे हो तो वहाँ की कंडीशंस से यूज होने के लिए। तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन वाइज आई थिंक इससे बेहतर भारत प्रिपेयर नहीं कर सकता। जिस तरह से प्रिपरेशन की बात है, जिस तरह से प्लेयर्स को मौका देना था, जिस तरह से सारी पोजीशंस को वो क्लियर करना था, वो सारे बॉक्सेस जो टिक करने हैं ना, वो सारे मेरे ख्याल से 23 से पहले भारत इससे बेहतर प्रिपेयर टीम नहीं जा सकती। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन किया है।